अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्काई रियल्टी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट इजाज़ चौधरी। उम्मीद करता हूं कि सब आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं किसी सोसाइटी के हवाले से नहीं और आज मैं एक हाई राइज प्रोजेक्ट के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि उसकी कुछ वजूहात थी। मेरे जितने क्लाइंट्स थे जो मेरे देखने वाले और जिनको मैंने परचेस करके दी सोसाइटीज़ के अंदर चीज़ें और बाकी फर्दर इन्वेस्टमेंट करवाई, करंटली जो सिचुएशन चल रही है, जो फाइल सिस्टम है वो ऐसा कह लें कि करंट जो उन्होंने जिसमें बाइंग की थी वो कुछ किसी में जो है वो लो आई हुई है, किसी में कुछ प्रॉफिट भी उन्हें हुआ है, लेकिन मोस्टली जो भी करंट सिचुएशन है मुल्क के उसमें जो है फाइल जिन्होंने भी बाई की, फाइल अच्छी से अच्छी सोसाइटी में भी बाई की है ना, तो करंटली सिचुएशन के हिसाब से उनकी जो नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी नीचे आई भी हैं। तो ऐसा कह लें कि जो पहले 200% सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती थी फाइल के अंदर, वो थोड़ी सी अब मुश्किल हो गई है। 100% इन्वेस्टमेंट सिक्योर तो है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चली गई जाएगी। करंटली अगर आप जो चीज़ बाई करेंगे वो थोड़ी सी नीचे भी जाने का खतरा है फाइल सिस्टम के अंदर। तो करंटली मेरे जो क्लाइंट्स हैं मुझे कह रहे थे कि हमें कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट बताई जाए जो कि हमें एक 100 to 200% एक सिक्योर हो जाए, हम अभी भी हम अगर बाय करें तो उससे ऊपर जाए, नीचे ना आए, और फ्यूचर के अंदर भी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इन्हीं पॉइंट्स को मैंने मद्देनजर रखते हुए एक अपनी प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ अपनी मुकम्मल रिसर्च के बाद, और जो कि जिसका नाम बैरिया स्काई है, और ये ऐसी लोकेशन के ऊपर लोकेट कर रहा है जो कि कमर्शियल हब इसके जितने भी सराउंडिंग के अंदर है बहुत तेज़ी से बन रहा है और डिमांड है कमर्शियल हब की, क्योंकि बैरिया ऑर्चिड जो आप सब जानते भी हैं मेन राइवन रोड के ऊपर लोकेट कर रहा है, और इसी रोड के ऊपर 8 to 10 यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं, और जितनी ग्रोथ इस साइड के ऊपर हो रही है, रेवन रोड की साइड पर हो रही है, वो किसी और पूरे लाहौर की साइड पर नहीं हो रही। जितने भी जो लोग हैं वो माइग्रेट करके आ रहे हैं डिफरेंट सिटीज से, मुल्तान वाली साइड से देखा जाए, भावलपुर हो जाए, रिमजियर खान, इस साइड से भी बहुत जो है हमारे जो है वो यूनिवर्सिटीज बच्चों की फर्दर आगे स्टडीज़ के लिए इस साइड पर मूव हो रहे हैं लाहौर में, और इसके लिए जो डिमांडिंग है वो बहुत बढ़ रही है। इस एक जो डेवलपमेंट हो रही है ज़्यादा वो इस एरिया में ज़्यादा हो रही है। तो ये ऐसी लोकेशन के ऊपर लोकेट कर रहा है जो कि बैरिया ऑर्चिड एक कम ब्रांड नहीं, एक छोटा ब्रांड नहीं है, बखूबी वाकिफ है। मुझे किसी उस चीज़ की जो है ब्रीफिंग देने की ज़रूरत नहीं है, अब बखूबी वाकिफ है बैरिया ऑर्चिड के हवाले से। एक तो उस सोसाइटी को इस कमर्शियल हब की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस टाइम के साथ साथ वो जितना आबाद हो रहा है ये बैरिया ऑर्चिड, वो बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हो रहा है, उसके साथ पूरी रायवन रोड डे बाय डे बहुत डेवलप्ड होती जा रही है। एक तो मैंने बताया मेन वजह डिफरेंट कैंपसेस हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जो अपने बच्चों के फर्दर स्टडीज़ के लिए डिफरेंट सिटी से भी लोग जो है माइग्रेट करके आ रहे हैं, बहुत डे बाय डे इजाफा हो रहा है इसमें, और उसके अलावा वैसे भी जो डेवलप के लिहाज से ये साइट जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हो रही है, तो डिमांडिंग है। और मैं ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जिसमें आपको सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर आप बाय करेंगे उससे फ़ौरन आपकी प्राइस नीचे आ जाए। 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट, LDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, और बैरिया की मैनेजमेंट से भी प्रूव्ड है। तो मैं बात कर रहा हूँ बैरिया स्काई की, जो कि बैरिया ऑर्चिड फेज 4 में लोकेट कर रहा है। बैरिया ऑर्चिड का एक ही फेज़ है फेज 4, जिसके अंदर हाई राइज के हवाले से बहुत डिवेलपमेंट हो रही है। इसके सराउंडिंग के अंदर हाई रेंज प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं, क्योंकि ज़रूरत भी है, और आने वाले और फ्यूचर के अंदर इससे भी ज़्यादा वहाँ पर बनते हुए आपको नज़र आएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ बैरिया स्काई की, जैसे मैंने आपको बताया नाज़रीन, इसकी टोटल लैंड के अगर हवाले से मैं बात करूँ, 14 कनाल का ये एरिया है, जिसके अंदर 7.5 कनाल एरिया कवर्ड है बिल्डिंग का, और 7.5 जो आउटसाइड एरिया है वो पार्किंग के लिए होगा। इसके जो नीचे बेसमेंट है ये पार्किंग होगी, कंप्लीट पार्किंग होगी, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे होगी, कमर्शियल हब बनने जा रहा है। पहले इनका 3rd फ्लोर तक था कमर्शियल, उसके बाद ऑनवर्ड थे इनके जो है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड की वजह से जो 4th फ्लोर था वो भी अब इनका कन्वर्ट हो गया कमर्शियल में। अब ग्राउंड से लेकर 4th फ्लोर तक कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पर होगी, और 4 to 14 तक वहाँ पर जो है 1-bed, 2-bed, 3-bed अपार्टमेंट्स होंगे लग्जरी, और जो हमारा लास्ट जो फ्लोर होगा उसके ऊपर पेंट हाउसेज होंगे, डुप्लेक्स पेंट हाउसेज, लग्जरी पेंट हाउसेज वहाँ पर जो है हमें मिलेंगे, जिसके अंदर प्राइवेट जकूजी और डिफरेंट अमेनिटीज़ होंगी पेंट हाउसेज के वाले से, और इसके साथ साथ 1-bed, 2-bed, 3-bed अपार्टमेंट्स भी बहुत अमेनिटीज़ के साथ आए हैं। प्रॉपर कम्युनिटी सेंटर है इसका, रूफ टॉप के ऊपर अगर मैं अमेनिटीज़ के हवाले से बात करूँ नाज़रीन, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और बहुत सारी अमेनिटीज़ ऊपर रूफ टॉप पर होंगी। प्रॉपर एक कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है, जो कि आप अपने रेजिडेंशियल जो जितने भी यहाँ पर लोग होंगे वो उसको इंजॉय कर सकेंगे। उसके साथ साथ जो इसकी लिफ्ट्स होंगी, इसके एंट्रेंस का जो रास्ता होगा
इसके अंदर जो है जो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जितने लोग होंगे उसकी एंट्रेंस अलग से है, और जो कमर्शियल जितने भी लोग एंटर होंगे उनकी जो एंट्रेंस है वो अलग से है। ऐसा नहीं है कोई मिक्सअप होगा, मिक्सअप दो लिफ्ट ऐसी हैं जो कि आप उसको मिक्सअप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें से तीन लिफ्ट ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट्स के ऊपर जाने के लिए, पेंट हाउस जाने के लिए सिर्फ यूज़ होंगे, वो कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं होंगी। जिसके अंदर टू लिफ्ट जो है वो आप यूज़ करेंगे जाने के लिए, और इसमें एक होगी कार्गो लिफ्ट। और नाज़रीन जो थर्ड फ्लोर होगा इसके ऊपर प्रॉपर जो है फूड कोर्ट होगा, प्रॉपर फूड कोर्ट होगा, रेस्टोरेंट होंगे, डिफरेंट ब्रांड्स आएंगे यहाँ पर, हाई लेवल ब्रांड्स होंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ब्रांड्स होंगे, इंटरनेशनल नेशनल लेवल के हाई लेवल के ब्रांड्स इसमें मौजूद होंगे। जितने भी इसमें है कमर्शियल शॉप्स हैं इसके अंदर आपको यहाँ पर जल्द ही आपको बनती हुई नज़र आएंगी। और उसके बाद में अगर करंट डेवलपमेंट के हवाले से नाज़रीन बात करूँ, नाज़रीन इन्होंने एक टारगेट रखा था अपना, कि विजन था इनका कि जो 147 डेज के अंदर अंदर जो इनका बेसमेंट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो नाज़रीन मैं अगर मज़े की बात आपको बताता चलूँ, जो आप करंट मैं आपको साइट के ऊपर भी कल जाके विजिट कराऊंगा, आपको डेवलपमेंट इसकी लाइव दिखाऊंगा, और मैं आपको बता भी देता हूं, जो इन्होंने 147 डेज का जो टाइम पीरियड रखा था ये 140 डेज के अंदर पूरा करने जा रहे हैं। जी हाँ, 7 डेज से पहले ही जो इनका बेसमेंट का जो प्लान था वो अल्हम्दुलिल्लाह 140 डेज के अंदर कवर होने जा रहा है, जो कि 2 से 4 दिन के अंदर आपको ग्राउंड फ्लोर इसका कंप्लीट मिलेगा, जो कि अब आप उसके बाद फिर देन ग्राउंड फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर देन ऊपर जाएंगे। और आपको भी पता है जो ग्राउंड फ्लोर तक जो चीज़ें होती हैं उसमें कुछ ज़्यादा बजट यूज़ होता है, ऐसा कह लें जो हाफ बजट होता है वो हमारे ग्राउंड फ्लोर तक होता है, और रिमेनिंग हाफ बजट प्रॉपर पूरी बिल्डिंग को जाता है। अब इस क्रेडिबिलिटी इस डेवलपर का यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इनका, कि जो बंदा ग्राउंड फ्लोर तक अगर आपको डेवलप करके दे रहा उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है आगे उसको डेवलप करना। स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट देर करता है वो स्टार्ट करता ही नहीं, जिसकी वजह से चीज़ें लेट हो जाती हैं। हम अगर इनकी हिस्ट्री निकाल के देखें, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, एक दिन ऐसा नहीं आया कि इसके अंदर जो है डेवलपमेंट रुकी हो। ऑनवर्ड स्टार्ट है, डे बाय डे तेज़ी से काम हो रहा है इसमें, 24/7 इस पर काम हो रहा है। और मज़े की बात आपको बताऊँ, इसकी साइट के ऊपर ये कैमराज लगने जा रहे हैं जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे। आप बैठे हुए अगर आप पाकिस्तान में हैं या आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ कंट्री में हैं, आप बैठे लाइव अपना कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो देख सकेंगे। जिस प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट की है वो क्या, किस प्रोजेक्ट किस तरह काम कर रहा है और उसके अंदर किस तरह काम हो रहा है, आप खुद लाइव मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये फीचर जल्द से जल्द ये आपको मिलेगा इसके साथ साथ, और 100% मैंने जैसे कि कहा सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि डिमांडिंग एरिया है, डिमांडिंग जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की कमर्शियल एक्टिविटीज़ की यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है, और रेजिडेंशियल की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर मैं प्राइस के हवाले से नाज़रीन बात करता चलूँ, सिर्फ और सिर्फ 12,500 पर स्क्वायर फीट रेट है, जो कि इस पूरी सराउंडिंग के अंदर कोई भी आपको प्रोजेक्ट नहीं दे रहा। इतने टॉप क्लास अमेनिटीज़ के साथ, LDA अप्रूव्ड, बहरिया मैनेजमेंट से अप्रूव्ड, इस प्राइस रेंज के साथ इसकी सराउंडिंग के अंदर कोई ऑफर नहीं करा रहा अब तक। और डेवलपमेंट के लिहाज से मैंने आपको जैसे बताया, इसकी बेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और जल्द ही आपको इसका जो है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर आपको बनता हुआ नजर आएगा। 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट, 1% ऐसा नहीं है कि आप लें और इसकी प्राइस नीचे, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारे जो फाइल सिस्टम है इसमें ऐसा होता है कि फ्लक्चुएशन होती रहती है, रेट नीचे भी आ जाते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं टाइम बाय टाइम, लेकिन इसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो है प्रॉफिट ऐसा समझ लें कि लॉक होने वाला है, नीचे 100% नहीं जाएगा, और टाइम बाय टाइम आपको जो है प्रॉफिट में ही होगा। 2-3 महीनों के अंदर अंदर ये प्राइस अपनी जो है रिवाइज करने जा रहे हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा नहीं तो 2,250 पर स्क्वायर फीट बढ़ाएंगे। और जितने साइज़ का आपका अपार्टमेंट होगा आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 2,250 से, आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा। हम रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए देखें या हम इसको आगे रेंट आउट करना चाहें, हम अपने कमर्शियल शॉप को या अपने अपार्टमेंट को, तो हम बड़ा आसानी और बड़ा अच्छा एक जो है हम यहाँ से जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, हम बड़ा अच्छा इसका रेंट इन्जॉय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अमेनिटीज़ ये ऑफर करा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास अमेनिटीज़ के साथ ये प्रोजेक्ट आया है। और नाज़रीन मैं अगर हाइट के हवाले से बात करूँ, 200 फीट की जो हाइट है इस प्रोजेक्ट की, जो कि कोई बहरिया की अभी सराउंडिंग के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी इतनी हाइट हो, जो कि LDA से अप्रूव्ड है और बहरिया मैनेजमेंट से भी अप्रूव्ड है। तो मज़ीद किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी भी क्वेश्चन हो, आपकी क्वेरी हो, माइंड के अंदर आपके सवालात हो, मैं इस वीडियो में बयान ना कर सका हूं, तो आप फ्रिक्वेंटली मेरे से जो है, मेरे स्क्रीन पर आपको नंबर शो रहा है, मेरे से कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, मेरा ऑफिस है बहरिया टाउन तलवा चौक, वहाँ तशरीफ ला सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द इसकी आपको साइट भी विजिट कराऊंगा मौके के ऊपर जाके, जो भी करंटली जो सिचुएशन वहाँ पर चल रही है डेवलपमेंट के लिहाज से। तो फिलहाल मुझे इजाज़त नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।